स्वागत है का माय प्रोजेक्ट एसजी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की प्रोजेक्ट ट्यूटर से चल रही लारावेल केस करते हुए, तो ऐसे कि हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पोर्टल सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने एग्जाम फॉर्म सबमिट करने का वर्क कम्प्लीट कर लिया था। हमने एक टेबल थी हमारी डेटाबेस में पोर्टल की, जिसमें हम पोर्टल की टेबल में जो भी पोर्टल है वो लॉग इन करता था, देन वो पोर्टल किसी भी स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकता है। तो हमने स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट किए हैं इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, हम एक और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं और देन यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ, देन सबमिट। एंड सबमिट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो हमारे डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी। ये देखिए सक्सेस आ चुका है। और सक्सेस के बाद अगर हम डेटाबेस में देखें तो ये देखिए यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब हमें हमारा जो ये पेज आ चुका है, हमने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट की है। तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र करंटली रजिस्टर हुआ है, जो हमारा ये यूज़र करंटली रजिस्टर हुआ है, इसके हमें रिसिप्ट की प्रिंट निकालना है। तो हम उसको करेंगे, तो हमने यहाँ पर प्रिंट नाम से फंक्शन बनाया हमारे पोर्टल कंट्रोलर में। तो हम चलते हैं हमारे पोर्टल के कंट्रोलर पर। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो है पोर्टल ऑपरेशन, उसमें हमें रिसिप्ट प्रिंट करना है। तो हम कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, देन पोर्टल ऑपरेशन, और यहाँ पर सर्च करते हैं हम प्रिंट हमारा कंट्रोलर, और यहाँ पर हमें रिसिप्ट प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर एक व्यू लोड करेंगे, यहाँ पर हम कहते हैं रिटर्न व्यू पोर्टल डॉट प्रिंट, देन यहाँ पर हम दे देते हैं इन्फो, देन यहाँ पर हम पास करेंगे स्टूडेंट इन्फो, और इसे हम क्रिएट करते हैं व्यू को। इसके लिए हम चलेंगे रिसोर्स के अंदर, तो हम जाते हैं रूट पर, देन यहाँ पर रिसोर्स, देन रिसोर्स के अंदर व्यू, एंड व्यू पर पोर्टल, और पोर्टल के अंदर प्रिंट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, और यहाँ पर हम H2 के अंदर देते हैं प्रिंट, देन प्रिंट सेव। अगेन हम करते हैं इसे रिलोड, एंड यहाँ पर हम अब HTML बनाएंगे इसका, जिस पर हमारी रिसिप्ट प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो पहले बेसिक HTML लेआउट बनाएंगे, देन उसमें हम देंगे प्रिंट, और यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे, क्लास देंगे इस पर प्रिंट कंटेनर, देन इसके अंदर हम यहाँ पर हम देंगे क्लास एग्जाम टाइटल। यहाँ पे हमारा एग्जाम का टाइटल होगा, जिसके अंदर हम H3 टैग के अंदर लिखेंगे एग्जाम टाइटल। देन उसके बाद यहाँ पर हम देंगे यूजर इन्फो ब्लॉक, देन इसके अंदर हम यूजर की इन्फॉर्मेशन देंगे, एंड हम इसे करते हैं रिलोड। ये हमारा बन चुका है, इसे हमें थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो हम इसे सेंटर में अलाइन करेंगे, देन मैं नीचे चलता हूँ, और यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ है वो 60% रखेंगे, देन इसका जो मार्जिन है वो रहेगा ऑटो 50% से हो जाएगा इसका काम 50, और इसे हम यहाँ से करते हैं कॉपी, देन यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट, देन टेप देंगे, एंड इसके बाद हमें एग्जाम टाइटल वर्क करना है, तो इसे हम देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसे भी हम हमारी फाइल पे सेव करते हैं। देन हमारा एग्जाम टाइटल हो चुका है, देन एग्जाम टाइटल का हमें यूजर इन्फो बनाना है। तो अब हम यूजर इन्फो वर्क करेंगे, तो यहाँ पर हम एक क्लास लेंगे क्लास इन्फो ब्लॉक, देन इसके अंदर हम एक लेबल लेंगे, देन उसमें देंगे नेम, देन यहाँ पर हम टेस्ट यूजर नेम दे देंगे,
देन हम पेस्ट करते हैं, क्या होगा, ईमेल test@gmail.com, देन उसके बाद हम इसे अगेन करेंगे कॉपी, और यहाँ पर होगा मोबाइल नंबर, देन इसके बाद हम इसे एक और बार करेंगे तो यहाँ पर रहेगी DOB, अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो अभी कुछ इस फॉर्मेट में हमें इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, तो हमें इसे एक फॉर्मेट देना होगा, तो हमने जो यूज़र इन्फो बनाया है इसके अकॉर्डिंग हम वो करेंगे, और यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ है उसे 50% रखेंगे और फ्लोट लेफ्ट करेंगे इसे, देन इसकी हाइट हम रखेंगे 50 पिक्सल, देन इसकी जो लाइन हाइट है वो भी रहेगी 50 पिक्सल, और इसे हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट, देन यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ गया तो इसे हम ठीक करते हैं और यहाँ से हटाते हैं एंड सेव, और इसे हम यहाँ पर टॉप पर मार्जिन टॉप 20 पिक्सल देंगे, इसे हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम करते हैं इसे पेस्ट, देन साथ ही साथ टेक्स्ट लाइन सेंटर देके देखते हैं, तो इसमें आते हैं हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर देन सेव, अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, तो कुछ ये हमारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पर विजिबल है, इसमें मैंने नेम दिया है, मोबाइल नंबर दे चुके हैं, देन ई मेल आ चुकी है एंड डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर टॉप पर एग्जाम का नेम भी शो करना है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन डायनेमिक लाएंगे सबसे पहले डेटाबेस से और शो करेंगे, तो यहाँ पर हमें यूज़र की इन्फो मिल चुकी है, तो हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, हम टेबल में देख लेते हैं प्रिंट करने की जगह, तो यहाँ पर हमें मिलता है नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और DOB, तो हमें मिल ही रहा है, तो हम इसे तो प्रिंट कर ही सकते हैं, बाद में हम एग्ज़ाम का नाम ले आएंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम चाहिए, तो हम जिस भी यूज़र सेलेक्ट करेंगे उसका नेम, तो यहाँ पे हम करते हैं एको, देन यहाँ पर हम लगाएंगे डॉलर, और यहाँ पर हम दे देते हैं नेम, देन उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं ईमेल, और यहाँ पर होगा मोबाइल नंबर, देन यहाँ पर हम देंगे DOB, ये देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, हमने जो भी लास्ट में यूज़र रजिस्टर किया था उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, हमें डेट को थोड़ा फॉर्मेट में करना है, तो हम डेट को फॉर्मेट में करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे डेट फंक्शन, देन उसमें हम लिखेंगे डे स्पेस मंथ कॉमा ईयर, और यहाँ पर लगाएंगे हम STR टू टाइम, टाइम देन इसमें हम करते हैं कट, और यहाँ करेंगे पेस्ट, अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, तो ये देखिए यहाँ पर 16 जून 2020 जनवरी 2020 आ चुकी है, और यहाँ पर ईमेल आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर एग्ज़ाम का ओरिजिनल टाइटल लेके आना है, तो एग्ज़ाम का टाइटल के लिए हम यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ पर लेंगे एग्ज़ाम टाइटल इक्वल्स टू जो हमारी एग्ज़ाम मास्टर है, हम उस पर जाएंगे स्क्रॉल करके, ये देखिए एग्ज़ाम मास्टर, यहाँ से हम लेंगे इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, लगाएंगे कॉलन कॉलन वेयर, देन यहाँ पर हम लिखेंगे कि ID जो हमारी $STD इन्फो के अंदर एग्जाम है, देन उसको हम करते हैं गेट फर्स्ट, और यहाँ पर हमें देना होगा
देखते हैं हमारी एग्जाम टेबल हमने क्या दिया है। तो ये हमारी एग्जाम मास्टर, देन इसके अंदर हम देखते हैं हमने एग्जाम की जिसमें नेम है उस फील्ड का नाम क्या है हमारी। तो हमारी उस फील्ड का नाम है टाइटल, तो मैं देंगे टाइटल। और इस एग्जाम टाइटल को हम पास करेंगे हमारे इस व्यू पर, तो यहाँ हम लगाते हैं कॉमा, देन यहाँ पर हम पास कर देंगे डॉलर एग्जाम टाइटल। और इस एग्जाम टाइटल को हम यहाँ पर करेंगे यूज, तो यहाँ पर हम करते हैं इसे एको डॉलर एग्जाम टाइटल। एंड इसे हम करते हैं अगेन रिलोड, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम कॉपी आ चुका है। और साथ साथ हम चाहें तो एग्जाम डेट भी शो कर सकते हैं इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे पी टैग में लेंगे और यहाँ पर हम इसे ग्लोबल बना लेंगे एक, और यहाँ पर हम लिखते हैं डॉलर एग्जाम इन्फो इक्वल्स टू, देन साथ ही साथ बाद यहाँ पर हम देंगे एग्जाम डेट डेट, तो यहाँ पर हम लगाते हैं डेट। ईयर और यहाँ पे हम लिखेंगे str2 टाइम, देन यहाँ पे हम देंगे डॉलर एग्जाम डेट, देन सेव करते हैं। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, तो यहाँ पे हमारे पास डेट आ चुकी है। हम इसके आगे लिख देंगे यहाँ पर एग्जाम डेट एंड सेव। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, ये देखिए एग्जाम डेट हमारे यहाँ पे एग्जाम डेट आ चुकी है, देन यहाँ पर यूजर की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, देन सारी इन्फॉर्मेशन है। अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो हम एक प्रिंट का बटन देंगे इसमें सबसे नीचे, और यहाँ पर सबसे नीचे हम आएंगे, देन यहाँ पर हम एक ड्यू बनाएंगे क्लास प्रिंट बटन, देन इसके अंदर हम एक बटन बनाएंगे और उस पर लिखेंगे प्रिंट, और इस पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक पर विंडो डॉट प्रिंट प्रिंट एंड सेव। इसके बाद अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, और इस बटन पर अगर हम क्लिक करें तो ये देखिए हमारा प्रिंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट ऑप्शन रेडी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जो हमारा व्यू है वो आपको यहाँ प्रीव्यू शो होगा। ये देखिए जो भी हमने बनाया था वो SDS हमारे इस पर आ चुका है। अब आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर चाहें तो इसे जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो PDF बना के रख सकते हैं, या गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, और आप जैसा चाहें इस फॉर्म को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने आपको ये बेसिक बताया कि आप किस तरह से यहाँ पर लेआउट बनाएंगे, देन उस पर प्रिंट बटन पर क्लिक करने पर आप इसका प्रिंट का भी आउटपुट निकाल सकते हैं। आपका अगर प्रिंटर कनेक्ट होगा तो ये प्रिंटर कागज पर प्रिंट निकल जाएगी इसकी, अदरवाइज आप इसे PDF में भी सेव कर सकते हैं। अब हम इस बटन को डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा। तो इस बटन को डेकोरेट करने के लिए हम इसे करते हैं इंस्पेक्ट, देन यहाँ पर हम सबसे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर पेडिंग टॉप BCX, हमारी टॉप भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है, पेडिंग वर्क नहीं कर रही है। ओके, इसके अंदर हम बटन पे दे देते हैं, तो BR लगा लेते हैं तो हमारी इश्यू खत्म। यहाँ पर हम देते हैं BR, और इस पर हमें थोड़ी सी CSS लिखना होगी। यहाँ पर हम लगाते हैं डॉट, देन इस पर लिखेंगे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देन सेव। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, तो ये हमारा बटन आ चुका है, देन इसको हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा प्रिंट आ रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने स्टूडेंट को रजिस्टर किया है एग्जाम में, देन एग्जाम में रजिस्टर होने के बाद हमने उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसकी प्रिंट निकाली है। तो फ्रेंड्स अभी के सीरीज में इतना ही, इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अगेन अगर किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन
प्रिंट हो चुकी है, अगर वो रजिस्टर हो चुका है तो हम उसकी अगेन प्रिंट की कॉपी निकालेंगे, एंड अगर कोई इन्फॉर्मेशन में गलती हो चुकी है तो हम उसे एडिट करेंगे, ये वाला वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी किसी डेट नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। और अगर आप प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।